बताएं तो आगे चौराहे के आगे पुलिस की कई गाड़ियां मौजूद हैं, पुलिस की टीम मौजूद है और दुकानें जितनी आप देखेंगे वो सारी बंद कर दी गई हैं। इस इलाके के जो स्कूल हैं उनमें छुट्टी घोषित कर दी गई है, वो बंद कर दिए गए हैं। ये देखिए, ये बोर्ड जरा देखिए निशांत, ये भी तस्वीर दिखा देते हैं, आप देखेंगे इसे भी जला दिया गया है क्योंकि भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी, नारेबाजी शुरू हो गई, गुस्सा देखने को मिल रहा था, नाराजगी व्यक्त की जा रही थी कि बेकाबू होते हुए पत्थर फेंके गए, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, आग लगा दी गई, जो पाइप पड़े थे उसमें आग लगा दी गई, शोरूम का क्या हाल किया ये आप देख सकते हैं। और फिलहाल अभी की अगर स्थिति की बात करें तो आप देख सकते हैं चौराहे के आगे 3-4 गाड़ियां पुलिस की मौजूद हैं और दुकानें बंद नजर आ रही हैं। हालांकि ये दुकान खुली है, यहां पर भी देखिए तोड़फोड़ की गई थी, ये तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ये वही दुकान है, टी स्टॉल, जहां पर तोड़फोड़ की गई थी और आप देखेंगे जो सामान है वो बिखरा हुआ, टूटा हुआ, गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये स्टॉल यहाँ पर प्लेस था, ये पूरी तरीके से गिर गया है, टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके जो शेड्स यहाँ पर लगे हुए थे वो टूट गए हैं, नुकसान यहाँ पर काफ़ी हुआ है। आप देखेंगे कांच का, क्योंकि पत्थरबाजी, पथराव हुआ तो जो कांच का सामान था वो तो टूट ही गया है। आप देख सकते हैं जो ग्लास यहाँ पर लगा हुआ था वो टूट गया है, बॉटल्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ड्रिंक्स की, जो कि टूटी हुई दिखाई दे रही हैं, पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, सामान बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आप नज़र डालेंगे आप देख सकते हैं सामान बिखरा हुआ है। अगर मांडा की बात करें तो लगातार इस तरीके की खबरें यहाँ से सामने आती हैं। आप में से किसी को हिंदी आती है? क्या हुआ था कल बता पाएंगे? गणपति आए हैं, गणपति आए थे, उसको पत्थर लेकर मार डाला गणपति को, उसको लड़ा, उन्हें चक्रा पूरा आगे इधर आग लगा दी। हाँ, लगा दिया। कितने बजे की घटना है? 8:30 बजे। कितनी भीड़ होगी, कितने लोग होंगे? एक 200 आदमी थे, 200 आदमी। तो पथराव क्यों किया गया, क्यों मामला है, क्यों विवाद बढ़ा? उन्हें पत्थर ले लगाए आदमिया पूरा मारे ना, हमें भाग गया दुकान छोड़ को, वो उसमें हमारे सो बुड़बुड़ा देंगे। ये रॉड्स भी इनका भी इस्तेमाल किया गया था, ये बता रहे हैं कि ये रॉड भी साथ में लेकर आए थे, जिसके हाथ में जो आया वो मारा गया, पत्थर फेंके गए, ये रॉड्स फेंके गए। और ये देखिए, ये बड़ा पत्थर, ये तो शायद उठाया भी नहीं जाएगा, इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं क्या कुछ हालात है। फिलहाल पुलिस की टीम में देख रही हूँ आगे तैनात है, टीम की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि आज से ज्यादा दुकानें भी डर गए, पुलिस भी डर गए, डर को भाग गए, पुलिस पे पत्थर मार रही ना, वो उसमें पेट्रोल डाल लेते, पेट्रोल डाला गया है वहाँ पर, उसमें पेट्रोल डाल का उनसे करते थे ना, भाग के चले गए उन्हें पुलिस वाला भी। आज से ज्यादा दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं? पूरा बंद हो गई, पूरा बंद, कहता 9 घंटे फुल बंद, पूरा पत्थर मारना। और ये सामने ही शोरूम की तस्वीरें हम देख, वो भी हमारा दुकान बाद उसको चले गए, उसके मार डाले, एक 8 गाड़ी उठा ले चले गई। कौन लोग थे कौन करो मालूम नहीं, मुस्लिम, पूरा मुस्लिम विशेष समुदाय द्वारा। हाँ, पूरा उन्हें मतलब। हर साल इस तरीके से गणेश विसर्जन यात्रा तो हर साल निकाली जाती है, क्या कर का मालूम है ना, हम ना हमें बाको घर को चले गए। तो देख सकते हैं आप, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बैरियर है लैंग्वेज का, लेकिन जितना वो समझा पाए हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि हाथ में जो आया, अब अगर तस्वीरें आप देखेंगे सब बिखरा हुआ है, कितना नुकसान उनका हुआ, वो जरा सोफे की ये तस्वीर देखिए, वहाँ पर आग लगा दी गई, वो पूरा बीच में से खराब हो चुका है, सब बर्बाद क्षतिग्रस्त हालत में दिखाई दे रहा है। हाथ में जो आया, जिसके हाथ में पत्थर आया उसने पत्थर मारा, जिसके हाथ में रॉड थी उसने रॉड से शीशे तोड़ दिए। ये देखिए, ये जो एक दुकान के आगे आप देखते होंगे ऐसे ग्लासेस लगे रहते हैं, वो ग्लास पूरे टूटे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, सब बर्बाद हालत में, डंडों से मारा गया, ये डंडे पड़े दिखाई दे रहे हैं और पत्थर भी आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर पड़े थे। हालांकि ये भी जरा बताइएगा, कोई घायल तो नहीं हुआ, कोई जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं, जब वो भाग के चले गए, हमें भाग को चले गए। जितने भी लोग थे उन लोगों ने कैसे अपनी 11 घंटे करे सो काम, 11 घंटे पूरा आदमी आ गए, 200 आदमी आए, छोटा छोटा बच्चा गड्ढा चुड़को लीला काका मारे सो। पुलिस कितनी देर में आई? तो कहता पुलिस नहीं आते, 4 आदमी बाद में आए सो, बाद में आए। बाद में आए। हाँ।
तो आपको बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया, सब कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख सकते हैं सृष्टि, यहाँ पर दुकानें बंद हैं, एक दो दुकानें खुली हालांकि दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अगर आप वहां पर भी नजर डालेंगे तो वहां पर भी पूरे रोड पर राख पड़ी हुई दिखाई दे रही है। सामने ये जो छोटी छोटी टी स्टॉल्स लगी थी उसमें तोड़फोड़ की गई है, उसमें कुछ नहीं बचा है। जो छोटे छोटे वेंडर्स थे उनका बहुत नुकसान हो गया है। हालांकि जब हमने बात की तो उनका कहना है कि हर साल इस तरीके से ही गणेश विसर्जन यात्रा निकलती है, लेकिन मांड्या से इस तरीके की छुटपुट घटनाओं की खबरें जरूर सामने आती रहती हैं। और अगर मांड्या की बात करें तो देखिए ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले सूरत से मामला सामने आया, फिर लखनऊ से और अब मांड्या से जहां पर पथराव किया गया है। ये तस्वीर आप शोरूम की भी देख रहे थे, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं क्या कुछ वहां पर हालात है। आपको बता दें पुलिस की वैन आप देख सकते हैं वहां पर नजर आ रही है, अग्नि शमन विभाग की गाड़ी भी है वहां पर, और इसके अलावा चार पांच पुलिस की गाड़ियां भी हैं। बैरिकेड्स भी रखे हुए हैं, वो भी वहां पर लगा दिए गए हैं कि जिससे कि लोग आगे ना आ पाए। और जो स्कूल्स हैं उनकी छुट्टी घोषित कर दी गई है, क्योंकि रात में इस तरीके का मामला सामने आया है जिसको देखते हुए ये कदम उठाया गया। पुलिस की एक गाड़ी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, और अगर आप यहाँ पर नजर डालेंगे तो देखिएगा जरा सीढ़ियों पर आप देखेंगे कि सीढ़ियों पर आप देखेंगे कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, बॉटल्स टूटी दिखाई दे रही हैं। अगर आप यहाँ पर नजर डालेंगे तो हर तरफ बिखरा हुआ कांच, टूटा हुआ कांच दिखाई दे रहा है। जो बाइक्स बची हुई हैं वही बची हुई हैं। बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, कुल 15 बाइकें यहाँ पर थी, लेकिन आप अब नजर डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिर्फ 6 बाइकें बची हुई हैं, जबकि जो 15 बाइकें थी उसे आग के हवाले कर दिया गया, फूंक डाला गया। जो कांच के टुकड़े हैं आप देख सकते हैं, ये पूरा ग्लास का बना हुआ था, उन्हें तोड़ दिया गया है और अब टूटे हुए शीशे के टुकड़े ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सीढ़ियों पर भी आपको दिखा देते हैं, वो तस्वीरें जो रात में हम आपको दिखा रहे थे, ये देखिए टूटे हुए टुकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और पत्थर हर जगह नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे पत्थर मारे गए हो, जो हाथ में आया, जिसके हाथ में रॉड आई उसने रॉड से तोड़फोड़ की, जिसके हाथ में डंडा आया डंडा मारा गया। और ये तस्वीरें जरा रोड की भी आप देख लीजिए, ये जो पाइप आप लेफ्ट साइड में रखे देख रहे हैं वो पाइप यहाँ पर भी पड़े हुए थे और उन पाइप्स पर ही आग लगा दी गई, इसलिए आप देख सकते हैं आधे पाइप जले हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। और रोड की क्या हालत हुई है, सड़क की क्या हालत हुई है, वही बता रही है कि किस तरीके से रात में इस घटना को अंजाम दिया गया। राख पड़ी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, और अगर दुकान की स्थिति दिखाएं तो वहां पर भी आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, वहां पर भी आग लगा दी गई है और बड़ा नुकसान वहां पर भी हुआ है। ठीक है प्रगति, वापस लौटेंगे आपके पास। अभी भी वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन इस बीच कुछ दुकानें खुली हुई हैं, एक दो लोग हैं जो हिंदी में बात करने में कंफर्टेबल हैं, वो बता रहे हैं कि क्या हुआ था वहां पर। इस खबर पर आगे भी पूरी अपडेट आपको देंगे, फिलहाल